गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम शॉर्ट स्टोरी का पहला लेसन द गोल्ड वॉच पढ़ने जा रहे हैं, जिसके राइटर पंजीकारा रफ़ी हैं, जो कि एक मलयाली राइटर हैं, केरल को बिलोंग करते थे। और ये एक मज़दूर की कहानी है जो एक फैक्ट्री में काम करता है और उसकी कुछ दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को वो किस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करता है ये हम देखेंगे। लेसन वन ऑफ शॉर्ट स्टोरी द गोल्ड वॉच भाई पूंजीकारा रफी। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं शॉर्ट स्टोरी। एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट्स शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। ही टर्न एंड टॉस्ड इन हिज बेड बट इट वॉज नो यूज। द मोर ही थॉट द वर्स ही फेल्ट। एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट्स पहले की कई रातों के समान शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। उस रात भी शंकु को नींद नहीं आई। ही टर्न्ड एंड टॉस्ड इन हिज बेड, वो अपने बिस्तर पर उलट पलट रहा था। बट इट वॉज नो यूज, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। द मोर ही थॉट द वर्स ही फेल्ट, जितना ज़्यादा वो सोच रहा था उतना ही बुरा उसको महसूस हो रहा था। ही क्लोज्ड हिज आइज एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट इन द डार्कनेस। ही क्लोज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें बंद कर ली एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट, फटी हुई चटाई, अपनी आंखें उसने बंद की और लेटा रहा अपनी फटी हुई चटाई पर इन द डार्कनेस, अंधेरे में लेटा हुआ है। लेकिन एंड येट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, लेकिन ये अभी भी वो सारी चीज़ें उतनी ही क्लियरली देख पा रहा था जितना कि दिन में देखी जा सकती हैं। और वो चीज़ें क्या थीं? द डेजर्टेड ऑफिस रूम व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट और फॉर लंच। उसे क्या दिखाई पड़ रहा है? उसने आंखें बंद करके रखी हैं, सब कुछ अंधेरा है, लेकिन उसे सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। क्या देखता है? द डेजर्टेड ऑफिस रूम, जहाँ वो काम करता था वहाँ पर एक ऑफिस है और वो कमरा, वो ऑफिस का वो कमरा जो कि डेजर्टेड है। डेजर्टेड का मतलब जब वहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई भी इंसान नहीं होता, तो हम लोग कहते हैं वो स्थान डेजर्टेड हो गया, माने वहाँ कोई नहीं है। व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट और फॉर लंच, जब सभी लोग या तो आराम के लिए या तो लंच के लिए बाहर जा चुके होते हैं। द ग्लास विंडो वॉज ओनली पार्टली क्लोज्ड, जो शीशे की खिड़की जो थी वो आधी बंद थी। पार्टली का मतलब थोड़ी सी, पूरी तरह से नहीं, वो थोड़ी तरह से आधी बंद थी। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल इनसाइड वर अ फ्यू फैट वॉल्यूम्स, एट द अदर एंड अ पेन एंड इंक बॉटल एंड सो फोर्थ, एंड इन बिटवीन वॉज अ गोल्ड वॉच विद इट्स गोल्ड चेन प्लेस्ड ऑन अ बुक। एक छोर पर उसे क्या दिखाई पड़ता है? हम लोग पिछले पन्ने पर जाएंगे। राइटर कहता है कि शंकु को क्या दिखाई पड़ रहा है? द ग्लास विंडो वॉज ओनली पार्टली क्लोज, आधी खिड़की खुली आधी बंद। ऑन वन एंड, एक छोर पर ऑफ द टेबल, मेज पर, इनसाइड उसके अंदर जो ऑफिस के अंदर जो मेज पड़ी हुई है, उस मेज पर एक छोर पर क्या रखा हुआ है? वर अ फ्यू फैट वॉल्यूम्स, माने कुछ कागज़ रखे हुए हैं जिनकी गड्डी कह सकते हैं बनी हुई है, फाइलें वगैरह। और एट द अदर एंड, और दूसरे छोर पर एक पेन रखा हुआ है, एक इंक बॉटल है, स्याही की दवात है, जैसा कि पहले हुआ करता था, लोग स्याही में डुबो डुबो करके लिखा करते थे। एंड सो फोर्थ, एंड इन बिटवीन वॉज ए गोल्ड वॉच विद इट्स गोल्ड चेन प्लेस्ड ऑन अ बुक। और भी बहुत सारी चीज़ें, सो फोर्थ का मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड इन बिटवीन, और इनके बीच में क्या रखा हुआ है? वॉज ए गोल्ड वॉच, एक सोने की घड़ी रखी हुई है, विद इट्स गोल्ड चेन प्लेस्ड ऑन अ बुक, जिसकी जो चेन है, जो पट्टा है, जो वो उसका सोने का बनी हुई चेन है, और वो कहाँ रखी है? किताब के ऊपर मेज पर रखी हुई है बीच में। ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट अ फुट एंड यू कैन पिक इट अप, कह रहा है ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड, अपना हाथ फैलाओ, अबाउट अ फुट, लगभग एक फुट के बराबर, एंड यू कैन पिक इट अप, और तुम इसे ले सकते हो। माने खिड़की आधी खुली, अंदर किताब रखी हुई है मेज के ऊपर, आप खिड़की के बाहर खड़े हो,
कुछ नहीं करना है, खिड़की ऑलरेडी खुली ही, आपने हाथ बढ़ाया, खिड़की के अंदर हाथ डाला और वो घड़ी सोने की आपके हाथ में आ जाएगी। एवरी वन इज़ आउट फॉर लंच, सभी लोग इस समय लंच के लिए बाहर गए हुए हैं, नो बडी विल नो, किसी को भी पता नहीं चल पाएगा, ये सब कुछ वो लेटे लेटे सोच रहा है। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, हिज कावर्डिस एंड हिज वेसिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज। शंकु को याद आता है उसकी कोशिशें, उसके प्रयास, उसकी कावर्डिस, उसकी कायरता एंड हिज वेसिलेशन, और उसकी जो हिचकिचाहट है ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, जो पिछले कुछ दिनों में उसको महसूस हो रही थी, माने वो चाहता था कि वो घड़ी चुरा ले, लेकिन उसकी हिचकिचाहट, वो क्योंकि चोर नहीं था तो वो चुरा नहीं पा रहा था। ही हैड नेवर सीन एनीवन देयर एट दैट टाइम, उसने उस समय वहाँ पर किसी को नहीं पाया था कभी, एंड येट ही हैड बीन अफ्रेड, और उसको फिर भी डर लगा करता था। ही हैड ट्रेम्बल्ड एंड फेल्ट ब्रेथलेस, वो कांप जाया करता था और हाँफने लगता था। दैट वॉज वाई ही हैड रिफ्रेंड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, दैट वॉज वाई, यही वो कारण था। He had refrained from taking the watch every time. हर समय उसने अपने आप को रोक करके रखा था घड़ी लेने से, माने वो घड़ी नहीं चुरा पा रहा था इन सारे कारणों की वजह से। It would not do to put it off any longer. अब देर करने से काम नहीं चलने वाला है। If he thought any further, he would not be able to do anything. अगर वो और सोचता तो वो कुछ भी करने के काबिल नहीं रहता, माने अगर कोई गलत काम करने जा रहा है, ज़्यादा सोच लिया तो उसके अंदर का जो अच्छा आदमी उसको गलत काम करने से रोक देगा, माने वो चोरी नहीं कर पाएगा। He might even blurt out his intention accidentally. वो हो सकता है ये कि वो blurt out कर दे, माने धोखे से उसके मुँह से निकल जाए वो जो चोरी करने का जो इरादा है, बाई चांस एक्सीडेंटली वो चीज़ धोखे से किसी को बता भी सकता है। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, सपोज़ ही डिड नॉट, तो उसे वो कल ले ही लेनी है, माने कल उसको वो घड़ी चुरा ही लेनी है। सपोज़ ही डिड नॉट, मान लो कि वो घड़ी कल नहीं चुराता है तो होता क्या है। शंकुस थॉट बिगैन टू लिंगर ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ, शंकु के जो विचार थे वो लिंगर करने लगे, मंडराने लगे, उसकी जो थॉर्नी प्रॉब्लम्स थी उसकी, थॉर्नी का मतलब होता है कांटों से भरी हुई प्रॉब्लम, समस्याएं, वो समस्याएं जो कांटों के समान थी उसके जीवन की, जिन प्रॉब्लम की वजह से वो ये घड़ी चुराने के लिए प्लान कर रहा था। क्या समस्याएं थी, उसका क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट वर द प्रॉब्लम्स ऑफ शंकु। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, कल महीने का तीसरा दिन होगा। इन अनदर थ्री डेज ही वुड गेट हिज पे, आने वाले तीन दिनों में उसको अपनी सैलरी, उसकी पेमेंट मिल जाएगी, और वो कितनी होगी, 13 rupees for 13 days, 13 दिनों के काम के बदले में 13 rupees। फैक्ट्रीज़ में उन दिनों में 15 दिन में सैलरी मिलती थी, जिसमें से 2 इतवार निकाल दो तो बचे 13 दिन, 13 दिन के काम के बदले में 13 rupees। ही हैड टू पे 4.5 rupees फॉर परचेजेस एट द स्टोर, देयर वुड बी अ बैलेंस ऑफ 8.5 rupees। क्या क्या उसको पेमेंट क्या क्या करनी, ही हैड टू पे 4.5 rupees फॉर परचेजेस एट द स्टोर, जो दुकान से वो सामान खरीदता है, जिसको हम लोग परचून की दुकान भी कह सकते हैं, कई सारे सामान आते हैं, तो उसको पेमेंट करनी है किस कितनी, पे फॉर 4.5 rupees, 4.5 rupees तो दुकान पर उसको देने हैं जो कि उसने महीने भर सामान खरीदा होगा। देयर वुड बी ए बैलेंस ऑफ 8.5 rupees, अब उसके पास बचेगा क्या, बैलेंस ऑफ 8.5 rupees, अब उसके पास सैलरी में से बचा है 8.5 rupees। He had repaid only 5 out of the 10 rupees he had borrowed from the fund the previous month to go home for his mother's death anniversary, जिसको हम लोग श्राद्ध बोलते हैं, death anniversary। उसने कहाँ कहाँ से कर्जा लेकर के रखा है, पहला he had repaid only 5 out of the 10 rupees he had borrowed from the fund, जो फैक्ट्रियों में जो प्रोविडेंट फंड होता है वहाँ से उसने कितना रुपए उधार लेकर के रखा है, जो 10 rupees उसने उधार लिया था, 10 rupees, और उसमें चुकाए कितने हैं, 5 rupees केवल चुकाए हैं। और वो ये पैसा क्यों उधार लिया था फंड से, प्रीवियस मंथ यानी पिछले महीनों क्यों लिया था, टू गो होम, अपने घर जाने के लिए, फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, अपनी माँ की श्राद्ध के लिए ये पैसा उसने लिया 10 rupees, जिसमें से केवल भी 5 rupees वापस हुए हैं। नो ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 rupees विद इंटरेस्ट एट 6 paise a rupee a week, नहीं, He must pay the remaining 5 rupees with interest, नहीं, उसे
अपने जो बचे हुए 5 रुपए हैं इंटरेस्ट के साथ यानी कि ब्याज के साथ, और ब्याज कितना लगना है 8.6 पैसे रुपी अ वीक, एक सप्ताह में 1 रुपए पर 6 पैसे ब्याज के साथ वो पूरे 5 रुपए वापस कर देने हैं। एट द टी शॉप ही ओड ओवर 3 रुपीज़ फॉर 2 वीक्स बिसाइड्स प्रीवियस एरियर्स अमाउंटिंग टू 1.5 रुपीज़। और क्या है, एट द टी शॉप चाय की दुकान पर उसके ऊपर कितना उधार था, ही ओड उस वो कर्जदार था कितना, ओवर 3 रुपीज़ फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह में उसने लगभग 3 रुपए का कर्जा कर लिया था चाय की दुकान पर। बिसाइड्स प्रीवियस एरियर्स, और पिछले जो उसके बकाए थे उसके अतिरिक्त जो कि अमाउंट कर रहे थे जो कि जुड़ करके बन रहे थे 2.5 रुपीज़ यानी 1.5 रुपए यानी 1.5 रुपए बन करके तैयार हो रहे थे चाय वाले का। ही ओड 6 रुपीज़ टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, अलग से चावल देने के लिए अली के लिए बन रहे थे उसके, ही रोड 6 रुपीज़ 6 रुपए बन रहे थे जो कि अली ने उसको एक्स्ट्रा चावल सप्लाई किया था, अली दुकानदार होगा। और क्या था, बीड़ीज एंड अदर ऑड्स एंड एंड्स, अली ने उसे चावल बीड़ी और दूसरी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मुझे सप्लाई करी थी, उसकी वजह से अली को उसको वापस करने थे 6 रुपीज़ 6 रुपए। 1 month's हाउस रेंट was 3 रुपीज़, 1 महीने का घर का किराया 3 रुपए। इन एडिशन टू दीज सम्स ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे 25 पैसे एंड 50 पैसे फ्राम सेवरल पीपल। इन एडिशन टू दीज सम्स, ये सारा सम ये सारा कुछ जोड़ के अलावा, ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे, उसने छोटे छोटे कर्जे लेकर के रखे थे 12 पैसे 20 पैसे 25 पैसे सॉरी 25 पैसे एंड 50 पैसे और 50 पैसे अलग अलग लोगों से। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम 2 days बिफोर अबाउट द 1 रुपी टू बी पेड टू द फिश वेमेन। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम, और उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया था 2 days बिफोर 2 दिन के पहले, अबाउट द 1 रुपी टू बी पेड, वो जो 2 रुपए पे करने हैं किसको, टू द फिश वुमेन मछली वाले को, यानी मछली वाली जो मछली सप्लाई करती है घर को उसको भी 2 रुपए देने वापस, 1 रुपी वापस करने हैं। शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड, शंकु ने अपने मन में ये सारा जो अमाउंट है वो जोड़ता है, वो अमाउंट जो उसे वास्तव में चाहिए। आज यहीं तक रखते हैं।